सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपको मोस्ट 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 वेलकम करता हूँ। और आज फिर से एक नई वीडियो में आपके साथ आया हूँ फ्रॉन्क सिग्मा मॉडल के अंदर। और इस गाड़ी के अंदर जो शानदार मॉडिफिकेशन हुई है, आज आप देख के खुद आपका दिल खुश हो जाने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इतना जितनी चीजें इसके अंदर हो सकती है वो सब कुछ बेनेग रहा है, सिर्फ एक अलॉय व्हील छोड़ के। तो हर एक चीज आपको डिटेल में दिखाऊंगा विद कॉस्टिंग के साथ। और आज टाइम है 1 जून का, जो एज अ हमारा डिस्काउंट बढ़ाने का दिन है। आज आज से हमारा डिस्काउंट भी काफी अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो लोग भी हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं या फिर आप हमारे पास फ्रॉन्क लेके आने वाले हैं, तो आप लोगों के बहुत बढ़िया और एक बेनिफिशियल वीडियो ये होने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैनल पे विजिट किया आपने या आपने वीडियो देखी है, स्टार्ट किया है, तो पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको डिटेल में सारी चीजें पता चल सके। गाड़ी की तरफ देर ना करते हुए देखते हैं क्या क्या चीज इसमें लगी है। प्लस ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं या नहीं चाहें तो नहीं, उसके बिना भी आप अपनी गाड़ी अगर ड्राइव कर सकना चाहे तो कर सकते हैं। तो पूरी एक सिग्मा को कैसे एक अल्फा से भी ऊपर अल्फा प्लस की तरफ कैसे बनाया है वो सारा कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले जैसा आप जानते हो इसकी कनेक्टिंग DRL है, जो एज इट इज 3 स्कूप के साथ आती है, 3 आपको आई स्कूप के साथ आती है। और जो पहले जो लगी हुई थी वो एक सिंगल सिर्फ डमी होता है जो लगा होता है, और अभी है वो कंप्लीट जो डे नाइट लाइट का काम है, DRL का काम है, वो अभी लग गया है। जैसे मैं इसमें चाबी लगाऊंगा, की लगाऊंगा, वैसे ये DRL जो है वो ऑन हो जाती है। और एक DRL का जो काम है मेन, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और सबसे मजे की बात, सबसे खास बात है, जेन्युइन मारुति का प्रोडक्ट आता है, तो कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलती आपको, कभी भी कोई ऐसा पार्ट नहीं मिलता इसमें जो कहीं से डिफेक्टेड हो या फिर कभी पानी धोने से कोई खराब हो गया। आज तक में लगभग सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियों में हमने काम किया है, हजारों गाड़ियों में लगाया है। अभी देखोगे आप, यहाँ भी फ्रॉन्क्स खड़ी है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले पीछे से 2 फ्रॉन्क्स निकल के गई है, इस तरफ भी फ्रॉन्क खड़ी है, इससे पीछे भी फ्रॉन्क्स खड़ी है। तो हजारों गाड़ियों में आज तक ऐसी एक DRL नहीं आई है जो खराब हो गई हो किसी की, या कोई डिफेक्टेड पीस हमारे पास निकला हो, कभी नहीं आई है। इसका रीजन है मारुति खुद ये DRL मैन्युफैक्चरिंग करती है, एज अ अपनी जो गाड़ियों में जो लगा के देती है टॉप मॉडल में, वही DRL इसके अंदर लगती है। इसके साथ साथ आप इसमें देखोगे एज इट इज, जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो है इसका पार्किंग वाला पार्ट, यानी कि इसका जो रात को चलने वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। प्लस इसी में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, तो दोनों चीज़ एक से बढ़ के एक आपको मिलता है। और प्लस इसके साथ साथ ही अगर मैं इसकी फिटमेंट आपको दिखाऊं, इसकी कनेक्टिविटी दिखाऊं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और हर एक इंसान जानना चाहता है कि भैया आपने लगा तो दी है पर फिटिंग क्या कपलर टू कपलर हुई है, क्या इससे मेरी वारंटी वॉइड तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा वारंटी लेते हैं। ये कपलर होता है जो पहले से लगा हुआ आता है, और अगर अभी आप देखोगे तो ये कपलर लगा है इसके अंदर, ये देखो ये सॉकेट है इसका जो अभी लगा है, और ये सॉकेट है जो DRL का सॉकेट है। एज इट इज सिर्फ मेरे को ये करके, ये देखो जल गया, अगर मैं इसको बंद करूंगा ये बंद हो, ये देखो सिंपली सॉकेट निकला है, यहाँ पे हट गया है, और यहाँ पे अगेन दोबारा सॉकेट लगाऊंगा ये जल गया है। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई झंझट, कंपनी से वारंटी आपके एज इट इज रहेगी और काम आपको बिल्कुल परफेक्ट जेन्युइन मिलेगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ, अगर बात करें एज इट इज, यहाँ पे हेडलाइट है जो कि बेस मॉडल से ही आपको एज अ प्रोजेक्टर कंपनी ऑफर करती है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप इसमें हेलोजन ही रहने दोगे तो
तो लाइट आपको बिल्कुल ऐसे गिरी हुई लगेगी, बिल्कुल खत्म लगेगी। पर अगर आप इसमें दो ऑप्शन होते हैं इसकी लाइट अपडेट करने में, इसकी लाइट को और अच्छा करने में, पहला तो हेडलाइट चेंज करा लो, जिसकी ऑप्शन जिसका प्राइस लगभग 14-15 हज़ार रुपए के आसपास जाता है, जो 3 स्कोप के साथ रहता है। नो डाउट वो लाइट भी बहुत अच्छी रहती है, पर कहीं ना कहीं उससे कम प्राइस रेंज में, उससे और अच्छे में अगर आपको जाना है, तो आप इसी में एज अ प्रोजेक्टर के अंदर ही आप एक सिर्फ एलईडी चेंज कराओ, प्राइस में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, काम में जो चीज है लाइट में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट, उससे भी और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपकी ये लाइट भी वेस्ट नहीं होगी, इसी लाइट में एक और अच्छा एड ऑन मिल जाएगा। जैसे अगर अभी आप इसमें देखोगे 220 वॉट एलईडी है, और इसका थ्रो रिस्पॉन्स, इसका आउटपुट बहुत अमेजिंग, बहुत शानदार, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ये लो बीम है और ये हाई बीम है, और ये सिर्फ दिन का रिस्पॉन्स है मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इतना शानदार जो रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलने वाला है। अगर रात में आप देखोगे तो और ज्यादा अच्छा कहीं ना कहीं मिलेगा हाईवे पे, यहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग है, उसके बाद भी इतना अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर बात करें, फ्रंट में ऑप्शन होता है आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो पियानो ब्लैक का पार्ट है वो आप पूरी ग्रिल चेंज करा सकते हो। गाड़ी आप देखोगे PB25, यानी कि पंजाब से आई है गाड़ी, अभी टेम्परेरी नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ी है, और उसके बाद भी सारा काम इसके अंदर बिल्कुल टॉप मॉडल वाला हो चुका है। इसके बाद सेम आप साइड प्रोफाइल में आओगे, अलॉय व्हील का ऑप्शन है वो आप चेंज करा सकते हो एज इट इज टॉप मॉडल वाले। यहाँ पे साइड मिरर जो है वो एज इट इज चेंज हो चुके हैं, जेन्युइन कंपनी के टॉप मॉडल वाले। यहाँ पे फ्लिप की में कुछ इस तरीके से चेंजेस हो चुका है, फ्रंट भी सुजुकी का लोगो है, बैक में भी आप देखोगे सुजुकी का लोगो है एज इट इज। यहाँ पे लॉक करेंगे तो कुछ इस तरीके से बहुत छोटा सा की जो है वो बन जाएगा एज अ लग्जरी गाड़ियों की तरफ, और बहुत प्रीमियम फील करता है। यहाँ पे कॉर्नर पे पूरा एज अ क्रोम का पार्ट है, इसके बाद बीच में पूरा क्रोम का पार्ट है, साइड में पूरा क्रोम का पार्ट है, तो इससे थोड़ा और अच्छा अगर आप टेबल वगैरह पे रखते हो तो काफी प्रीमियम फील करता है कहीं ना कहीं। सेम ऐसे कुछ इस तरीके से जो है वो वर्किंग इसका देखने को मिल जाता है। लॉक करते हैं तो यहाँ पे मिरर जो है पूरे लॉक हो जाते हैं, अनलॉक करते हैं तो अनलॉक हो जाते हैं। पहले जो लगे हुए थे सिर्फ आपको उसको हाथ से मोड़ना था या हाथ से बंद करना था, पर अब आप इसी से लॉक अनलॉक कर सकते हो, या फिर ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन अंदर से भी चाहो इसी से कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। प्लस जो इंडिकेटर यहाँ था वो इंडिकेटर आप देखोगे यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ जो एज अ शेप बच गया था, एज अ जो होल बच गया था, उसके लिए यहाँ पे एज अ साइड में एक वेंट लग गया है, जिसका बहुत प्रीमियम फील, बहुत प्रीमियम लुक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये एक बेस्ट पार्ट आपको मिल जाता है, आपका GFX ब्रांड का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बात करें आगे की तरफ नेक्सा जेन्युइन एसेसरी की तरफ, यहाँ पे रेन वाइजर है, नीचे साइड बीडिंग है जो एज इट इज नेक्सा जेन्युइन एसेसरी है। यहाँ पे हैंडल क्रोम को जो हैंडल जो है उसको पूरा आपका बॉडी कलर कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे मिरर भी बॉडी कलर के साथ किए हैं वैसे ही हैंडल भी बॉडी कलर के साथ हो चुका है। यहाँ पे अपना एज इट इज जो विंडो गार्निश है वो आप देख सकते हो पूरा क्रोम के अंदर है एक, तो सेम एज इट इज। जैसे मैं आपको सारी चीज़ों के प्राइसिंग बता देता हूँ, जैसे आप नेक्सा जेन्युइन एसेसरीज पे जाओगे 1 जनवरी से जो इसका डिस्काउंट है वो 80% आप लोगों के लिए हो जाएगा। अभी जब गाड़ी आई थी, लॉन्च हुई थी, तो सीधा आपका 25% डिस्काउंट मिलता था, उसके बाद जो है वो 40% डिस्काउंट देना शुरू किया, फिर काफ़ी लंबे टाइम तक 50% डिस्काउंट भी दिया आपको, इसके बाद 60%, और अब जो है 1 जून से, अब 1 जून से अपनी गाड़ी लेके आओगे, फ्रॉन्क्स हो गया, ग्रैंड विटारा हो गया, नेक्सा जेन्युइन एसेसरी पे बिल्कुल टॉप बेस टू टॉप करने पर आपका सीधा 80% आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अपना रेन वाइजर है, अभी के जो मैं आपको कॉस्टिंग वो बता देता हूँ, 2190 MRP है, लेस करके आपका 896 रुपये का पड़ता है। साइड बीडिंग है, 2490 MRP है, लेस करके 996 रुपये का पड़ता है आपका। इसके बाद विंडो गार्निश है, ये ओरिजिनल नेक्सा का नहीं आता, पर इसके अंदर भी SS का है ये, 6 6 पीस के साथ, तो एक बेनिफिशियल पार्ट यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। डोर में अगर बात करें, डैम्पिंग इसके अंदर हो चुकी है, जो यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल डक 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 आवाज़ आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है एक हैवी साउंड के साथ आपको मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। अब चलते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ, बैक में देखते हैं कैसे है, फिर अंदर चले। इसके साथ फाइनली बैक में आप देखोगे इसकी कंप्लीट कनेक्टिंग टेल लाइट है, जो जेन्युइन मारुति की आती है, और एज इट इज इसमें भी फिट एंड फिनिश में कोई भी एज अ इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई एक्स्ट्रा फिटमेंट नहीं होती, सीधा कपलर होता है, कपलर टू कपलर ही फिटिंग होती है, ये एक शानदार चीज मिलता है। सिर्फ यहाँ तक आपको जलता हुआ देखने को मिलता है, पर अब चेंज होने की वजह से, चेंज होने के बाद आप देखोगे पूरा यहाँ पे कंप्लीट जो है वो जलता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। कॉस्टिंग की बात करें, इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक जो होता है एसेसरी वाला जिसकी कॉस्ट होती है आपको 5,000, और एक होता है स्पेयर पार्ट वाला टॉप मॉडल वाला जिसकी कॉस्ट होती है 8,500। इसके बाद नीचे रिफ्लेक्टर है जो कंपनी आपका एज इट इज, जैसे पॉइंट टू पॉइंट फिटिंग आप देखोगे 0 to 0 फिटिंग मिल जाती है, जैसे यहाँ पे इसका शेप मिलेगा वैसे ही शेप आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है, एक बेस्ट पार्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है। इसके साथ अगेन दूसरी तरफ भी आप देख पाओगे, जैसे एक इंडिकेटर अगर आप जलाओगे तो यहाँ भी सेम इंडिकेटर चलेगा, एक बार आपको जला के भी दिखा देता हूँ किस तरीके से है। अगर मैं एज इट इज यहाँ पे इंडिकेटर दूंगा तो प्रॉपरली आपका इंडिकेटर इस तरफ चलेगा, और यहाँ पे भी सेम इंडिकेटर वर्किंग होता है, तो ये प्रॉपर पार्ट आपको मिल जाता है।
इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे कैमरा है, कैमरे की भी फिटमेंट आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल ओईएम फिटमेंट है, हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं है, अनइवन नहीं है। ये सबसे शानदार चीज आपको मिलती है, जो प्रॉपर एक जगह आता है जहाँ कंपनी से टॉप मॉडल में फिटमेंट आता है उसी जगह पे फिटमेंट है, ये शानदार चीज है। पार्सल ट्रे जिनमें कंपनी की आपको मिल जाती है यहाँ पे प्रॉपरली एज इट इज फिटमेंट के साथ, जितना भी सामान भैया का उतरा हुआ था सारा सामान इसमें रख दिया गया है, चाहे वो साइड मिरर हो, देख सकते हो कुछ इस तरीके से साइड मिरर जो लगे हुए आते हैं वो एज इट इज डाल दिए इसमें, सिस्टम का पार्ट यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे आप देखोगे डीरल का पार्ट, वो सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया है और प्रॉपरली सारा कुछ यहाँ पे चेंज भी हुआ है जिससे आपको यहाँ पे पता लग पा रहा है। सोनी के स्पीकर्स लगे हैं इसमें एज इट इज, आप यहाँ पे इसका भी बॉक्स देख सकते हो, स्टेज टू कंपोनेंट आगे लगा है, स्टेज वन कोएक्सल पीछे लगा है। इसके बाद यहाँ पे बूट लाइट का ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हो, जो मैनुअल भी आपका ऑन ऑफ है और एज इट इज पूरा स्विच के साथ भी कंट्रोल है, दोनों ऑप्शन आपको इसमें वर्किंग मिल जाते हैं। अब चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या क्या काम है। तो फाइनली अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर आप सबसे पहले इसका पूरा इंटीरियर देख पाओगे, कम्प्लीटली पूरा इंटीरियर है जो एज इट इज डोर पैड आपको देखने को मिल जाएगा, सॉफ्ट टच, इसकी कुशनिंग भी आप चेक कर सकते हो, एज इट इज कम्प्लीट कुशनिंग है, तीन थ्रेड का यूज सबसे पहले यहाँ पे किया हुआ है, फिर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है, अगेन काफी अच्छी कुशनिंग और बहुत ही अच्छा आपका सॉफ्ट टच के साथ है। पूरा डबल स्टिचिंग का यूज आप देख पाओगे यहाँ पे है, कोई कॉर्नर पे एक्स्ट्रा गैप नहीं देखने को मिलता है, जिसका आपको सबसे अच्छी चीज देखने को मिल जाती है, कहीं पे भी अनइवन नहीं है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है, ये सबसे शानदार चीज आपको पूरा एक इंटीरियर में देखने को मिलता है। मैं आपको फिर अगेन कहूंगा एज अ डीएलएल हो गया, एज अ टेल लाइट हो गई, एज अ साइड मिरर हो गया, ये आप इंडिया के हर एक कोने में शायद हो सकता है इस टाइम पे आप लगवा सकते हो, चाहे आप मुंबई में हो, चाहे आप पुणे में हो, चाहे आप महाराष्ट्र में हो, चाहे आप कोलकाता में हो, चाहे आप बैंगलोर में हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप असम में हो, कहीं पे भी आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। पर ये जो एज अ सॉफ्ट टच का काम है, एज अ फिनिशिंग का काम है, एज अ इंटीरियर का काम है, मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ कि ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ये सबसे अच्छी चीज, सबसे एक किफायती रेट में किफायती कॉस्ट के साथ आपको देखने को मिलता है। मैं कॉस्ट भी आपको बता दूंगा, बता देता हूँ, ये अगर आप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे अपने पास 300 रुपये से कॉस्ट ये पूरा इंटीरियर का शुरू हो जाता है और 750 रुपये तक का खर्चा आता है, जिसमें अलग अलग क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पियानो ब्लैक की पूरी किट लग चुकी है इसके अंदर, जिसको आप 7-पीस स्टाइलिंग किट कहते हो, चारों डोर में चारों पावर विंडो हो गया, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पावर विंडो में लगता है, प्लस तीन यहाँ पे आप देखोगे ये एसी वेंट का पार्ट है, ये एज इट इज पूरा चेंज हुआ है, जिसमें एक ये है, एक उस तरफ का है दूसरी साइड का, एक आप देखोगे यहाँ पे सेंटर का जो ये पियानो ब्लैक का पैनल है ये एज इट इज सेम आता है टॉप मॉडल में, और जिसकी वजह से पूरा फ्रेम से के साथ पूरा नीचे तक एज अ एसी का क्लाइमेट कंट्रोल तक पूरा एक बहुत प्रीमियम आपको देखने को मिल जाता है जो एज इट इज आता है। मजे की बात ये भी है कि ये पूरा जेन्युइन मारुति का ही आता है, तो इसमें भी सिर्फ एज अ चेंज एक्सचेंज का पार्ट है, तो ये काफ़ी अच्छा फिटमेंट होती है इसमें। यहाँ पे साइड मिरर है, इसकी फिटमेंट आप चेक कर सकते हो, 0-0 यहाँ पे फिटमेंट मिल जाती है, और साथ साथ ही ऑटो फोल्ड तो यहाँ पे वर्किंग है ही, ऑटो एडजस्टेबल भी वर्किंग है, जैसा आपको कंपनी फिटेड में भी देखने को मिलता है, सेम एज इट इज आपको देखने को मिल जाता है। हैंडल लीवर है, जिसकी आपको लाइफ टाइम तक की वारंटी मिलती है क्रोम की, क्योंकि जेन्युइन मारुति का आता है। यहाँ पे आप देखोगे एम्बियंट लाइट है, इसकी आप फिटमेंट चेक कर सकते हो, मैं ऐसे उंगली से लेके स्टार्टिंग से लास्ट तक लेके जा रहा हूँ, कहीं पे भी अनइवन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, इतनी शानदार फिटमेंट के साथ है। अगर आप इस डोर को, इस गाड़ी को एज अ टॉप मॉडल के बगल में रखो तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी के सामने टॉप मॉडल भी फेल होने वाला है। इसका रीजन है इसकी जो सॉफ्ट टच की फिटमेंट है, इसकी एम्बिन लाइट, जिसकी फिट एंड फिनिश, जिसकी बिल्कुल 0-0 फिटमेंट, प्लस इसका पूरा एज अ पूरा एक बहुत ही प्रीमियम लुक देना जो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एक गाड़ी के हिसाब से, एक गाड़ी के कलर के हिसाब से अंदर का पूरा इंटीरियर का लुक दिया हुआ है, जैसा आप एक बार फिर देख सकते हो, एज अ मैट से लेके, एज अ स्टीयरिंग से लेके, एज अ डैशबोर्ड से लेके, एज अ सीट कवर से लेके, हर एक चीज उस हिसाब से पूरा दिया हुआ है, जैसा आप देख पाओगे। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे ट्विटर शैशे है, जो ट्विटर है कंपोनेंट जो लगा है उसका यहाँ पे ट्विटर शैशे आप देख पाओगे, यहाँ पे अंदर लगा है ट्विटर भी, इसके अंदर ही लगा है, तो प्रॉपर यहाँ पे आपको फिटमेंट मिल जाती है। अंदर की तरफ देखोगे एज इट इज स्कफ प्लेट है, जिसको आप वेलकम लाइट के नाम से भी जानते हो, जिसमें ऑप्शन आपको लाइट वाला, बिना लाइट वाला दोनों मिल जाता है, और उसमें कई ऑप्शन कलर आपको देखने को मिलता है। शीट भी एक्लेरिक की होती है, जिससे क्या है कि कभी भी ना जंग वगैरह नहीं लगता, ये आपको बेनिफिट वाला पार्ट मिल जाता है। अंदर की तरफ मैट है, जैसा मैंने आपको डोर पे कलर दिखाया है, जैसा आपको डैशबोर्ड का कलर है, सेम उसी कलर का है, टैन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर, और काफी अमेजिंग मैट है, रियोन ब्रांड का है, तो एक जो इसकी थिकनेस है, एक जो इसका पूरा एक मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। इस मैट की एक सबसे खास बात है कि अगर आप फ्लोरिंग नीचे नहीं भी कराना चाहते हो तो मैट पूरा कंप्लीट कवर करता है स्पेस, जिससे हर जगह से आपको प्रॉपरली एक 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 मिट्टी वगैरह नीचे ना जाए, एक बहुत अच्छा एक
पूरा एक लग्जरियस फील भी दे और काम भी बहुत अच्छा। इसके साथ साथ एक चीज़ और रह गई थी जो मुझे भी बताया मेरे साथी ने, नीचे डैम्पिंग भी है, जो पूरा ग्राउंड में नीचे डैम्पिंग हुई है, और वो बहुत एक अमेजिंग पार्ट होता है किसी भी गाड़ी के लिए, और स्पेशली मारुति की गाड़ी में। मैं हमेशा आपको टाटा या महिंद्रा की गाड़ी में डैम्पिंग इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, पर नीचे डैम्पिंग से क्या है, आपका जो रोड नॉइज़ है, आपका जो एज अ म्यूजिक का पार्ट है, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरी डैम्पिंग हुई है नीचे के ग्राउंड में, जिसे क्या है, पूरा जो नीचे का जो लेयर है वो काफ़ी हद तक जो है वो एज अ रोड नॉइज़ के रूप में खत्म हो जाता है। इसके साथ अगर आप मैट देखोगे तो मैट और डैम्पिंग का दोनों का स्पेस होने के बाद भी, अगर मैं अंदर बैठूं और अंदर बैठने के बाद आपको क्लच और ब्रेक दिखाऊं, तो कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा नहीं अड़ने वाला, कोई एक्स्ट्रा नहीं गैप होने वाला, ये काफी अच्छी चीज आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इंटीरियर हो चुका है पूरा, इसमें भी आप देखो कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज आपको देखने को मिलने वाला है। जो फिट टू फिनिश है, जो प्रॉपर आपको है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत प्रीमियम मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बियन लाइट है, जिसकी फिटमेंट प्रॉपर 0 to 0 आपको मिल जाती है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया पैनो ब्लैक है। यहाँ पे स्टेयरिंग है जो एज इट इज, यहाँ चेंज हो चुका है जेटा मॉडल वाला, इसके अंदर लेदर रैप हुआ है कंपनी का आपका एज इट इज। इसमें भी आप फिटमेंट चेक कर सकते हो, आप टाइटली पकड़ो और ऐसे घुमा लो, कहीं भी नहीं घूमने वाला, कहीं नहीं जाने वाला, ये सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद स्टीयरिंग की आप फिटमेंट देख सकते हो प्रॉपरली है, वो भी अंदर चल के आपको दिखा देंगे अभी किस तरीके से, और एक एक चीज़ डिटेल में आपको चाहिए। इसके साथ साथ फाइनली अब अंदर चलते हैं और अंदर आपको सबसे पहले सीट कवर दिखाते हैं, जो ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख पाओगे बहुत ही अमेजिंग फिटमेंट के साथ है, बहुत प्रॉपरली 0 to 0 फिटमेंट है। जैसे मैं आपको हमेशा कई बार दिखा चुका हूँ पहले भी, अपने जो ऑटोनिक सिग्नेचर पैटर्न होता है, 3 थ्रेड देखोगे सबसे पहले ऊपर की तरफ है, फिर 3 थ्रेड यहाँ पे है, फिर 3 थ्रेड यहाँ पे, और इस सीट कवर के अंदर जो एक सिमेट्री होती है, जो कुशनिंग होती है, वो कुशनिंग आपको एक बहुत अमेजिंग तरीके से अलग मिलेगी। मैं अगेन आपको फिर बोलूंगा कि हर वो चीज़ आप करा सकते हो जो आपको हर जगह मिल जाए, पर ऐसा इंटीरियर, ऐसा सीट कवर आपको कभी भी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया की गारंटी ले सकता हूं। इसका रीजन आप देख पाओगे जो इसके अंदर एज अ फैब्रिक है, इसकी जो एक स्मूथनेस है, वो स्मूथनेस बहुत अमेजिंग आपको मिलती है। प्लस इसके बाद जो फिटमेंट है सीट कवर की, वो फिटमेंट बहुत 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 ही ज्यादा आपको प्रीमियम देखने को मिलता है। कहीं पे भी एक सिंगल रिंकल नहीं है, कहीं भी एक हल्का सा भी आपको अलग से आपको एक पूरा प्रीमियम सीट कवर देखने को मिलने वाला है ऊपर से लेके नीचे तक। प्लस आप देखोगे हर कॉर्नर पे एक स्टिचिंग अलग ही यूज़ हो रखा है, डबल स्टिचिंग का यूज़ हो रखा है, 10 कलर का यूज़ हो रखा है, ब्लैक कलर की पाइपिंग का यूज़ हो रखा है। अगर मैं पीछे की तरफ से बात करूँ तो एज इट इज़ जो पॉकेट है इसका, वो बहुत अच्छा पॉकेट आपको देखने को मिलने वाला है। हर जगह से बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर टू प्रॉपर फिटमेंट के साथ है। उसके साथ साथ मैं अगर सीट कवर की कॉस्टिंग भी बताऊं, तो अपने पास 2500 से सीट कवर स्टार्ट जाता है, उसके ऊपर 4000 रुपये अपने जो कंपनी देती है फैब्रिक उसी कंपनी में, उसके ऊपर 4555 रुपये नापा शाखा, उसके ऊपर रॉयल टच 7500 रुपये, उसके ऊपर अपने 9500 रुपये सोफा लेमिनेशन, प्रीमियम सोफा लेमिनेशन जो ये सीट कवर है 12500 रुपये। और इसमें क्या ऐसा खास है, टोटल इसमें 40 mm की कुशनिंग होती है, जिसकी वजह से जो इसका पूरा बोनेट नहीं दिखता है, वो पूरा बोनेट भी आपको प्रॉपर दिखता है, इससे 2-2.5 इंच सीट जो है वो ऊंची हो जाती है। और प्लस जितना आप इस पर बैठोगे, इसमें ऐसे दबाओगे ना, ये वापस अपने आप में वापस ऊपर आ जाता है। जो इसमें फोम है, जो इसमें कुशनिंग है, वो कभी भी आपका दबता नहीं है, ऐसा ऐसा मुचुड़ता नहीं है, ये सबसे खास सबसे अच्छी बात आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे आप देख पाओगे नेकलेस भी लग गया है, पीछे कुशन भी आपको मिल गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे एज इट इज जो आमरेस है, सेंटर आमरेस में एज इट इज पूरा आपको देखने को मिल जाता है। मारुति का जेन्युइन है, इसमें भी रियर एसी ऑन हो चुका है, आपका गियर नॉब यहाँ पे भी लग चुका है, एज इट इज कंपनी का जेन्युइन प्रॉपरली आपको मिल जाता है। प्लस के साथ साथ फाइनली अंदर आ चुके हैं, और अंदर आप देखेंगे कंप्लीट पूरा इंटीरियर बहुत अमेजिंग है, जैसा मैंने आपको अगेन पहले भी दिखाया था। पूरा आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, बहुत प्रीमियम के साथ हुआ हुआ है, और कहीं पे भी हल्का सा आपको अनइवन नहीं मिलने वाला, कहीं पे भी आपको ऊपर नीचे नहीं है, हर जगह से बिल्कुल प्रॉपर फिटमेंट है, चाहे आप हर कॉर्नर देख सकते हो 0 to 0 फिटमेंट है। स्टिचिंग की अगर बात करें, प्रॉपरली आपको फिटमेंट मिल जाता है, यहाँ पे अगेन आप चेक कर सकते हो एम्बियन लाइट में बिल्कुल 0 to 0 फिटमेंट है। मैंने आपको आपका ड्राइवर साइड एम्बियन लाइट भी दिखाया था, और वहाँ भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल माइनर सा स्विच है, जिससे आप इसके कलर चेंज कर सकते हो, इसके मोड चेंज कर सकते हो, जिस कलर पे, जिस मोड पे आप डालना चाहो, एज अ म्यूजिक पे आप डालना चाहो, वो आप सब कुछ सिर्फ छोटे से स्विच से ही आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिल जाता है एज इट इज। यहाँ पे मैंने पैनो ब्लैक किट आपको पूरी दिखाई है, इसके साथ नेक्स्ट जनरेशन ब्रांड का यहाँ पे आप देख पाओगे म्यूजिक सिस्टम है, जिसके फिट एंड फिनिश बिल्कुल प्रॉपरली आपको मिल जाता है।
आपका जेड लिंक का ऑप्शन मिलता है इसमें, एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉइड आपको पूरा वायरलेस और वायर के साथ दोनों ही सपोर्टेड है, फोन लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे अच्छी बात डीएसपी सेटअप मिल जाता है आपको इसके अंदर, जिससे क्या है आप साउंड को अपने हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। इसके साथ साथ ही अगर मैं बैक गियर डालूँ तो बैक कैमरा मूविंग गाइडलाइन के साथ नाइट विजन अल्ट्रा HD कैमरा है, जिसकी फिटमेंट और नाइट विजन आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है। पीछे गाड़ी खड़ी है DL5CV 1644, एज इट इज पूरा गाड़ी का नंबर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो एक प्रॉपर से प्रॉपर जितनी चीज़ें हो सकती है, जितनी चीज़ें कम्प्लीटली है, वो सब कुछ मैं आपको पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ दिखा रहा हूँ। ऐसा आपका ऑफलाइन मैप तक इस सिस्टम के अंदर सपोर्ट करता है, और एक 10-12 हज़ार रुपये की रेंज में काफ़ी अच्छा सिस्टम आप कह सकते हो जो आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। बाकी सिस्टम अगर आप बेसिक सिस्टम में जाओगे तो 4,000 से लेकर 40,000 रुपये तक सिस्टम आते हैं। बाकी अपने पास हम कह सकते हो 100 में से 99% जो है वो यही सिस्टम लगते हैं, क्योंकि बिलीव से लोग आते हैं और बिलीव से ही लोग लेके जाते हैं, जिसके चक्कर में क्या है कभी भी ना कोई कंप्लेन आई है इस सिस्टम में और ना कभी आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो मदरबोर्ड है, इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा आपको प्रोसेसर मिल जाता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें मिल जाती है। और प्लस हर एक चीज, चाहे आप इसमें इसके ऊपर 360 वाला जाना चाहते हो वो ले सकते हो, इसके थोड़ा सा अगर नीचे आपका इतना बजट नहीं है नीचे लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो ऑप्शन अपने पास सारे अवेलेबल है। जेबल के कंपोनेंट्स लगे हैं आगे की तरफ, पीछे को एक्सल लगा है, यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन होता है, ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे रूफ लाइट है जो एज इट इज फ्रेम के साथ लगा है। रूफ लाइट आप कभी भी लगाएंगे या बिना रूफ लाइट के भी जब आप इसको दबाएंगे तो एज इट इज ये फ्रेम जो है, ये जो गत्ता है ये ऐसे दबेगा, पर अगर अभी आप देखोगे अभी कहीं नहीं दबने वाला। इसका रीजन क्या, पूरा ऊपर की तरफ फ्रेम लगा है जिसके चक्कर में पूरा सपोर्ट जो है वो बन गया कहीं ना कहीं। इसके बाद यहाँ स्टीयरिंग काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप कंट्रोल देख सकते हो, पूरा वर्किंग है। यहाँ पे जैसे मैं स्टीयरिंग ऑन करूंगा यहाँ की सारी लाइटें जो है वो ऑन हो जाती है एज अ पार्किंग लाइट के साथ, तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। अब चलते हैं एक बार पीछे की सीट देखते हैं कैसा फिटमेंट है, उसके बाद ओनर से जानेंगे कैसा सारा काम। मिले अंदर की तरफ आ चुका है, अंदर आप देखेंगे बहुत अमेजिंग तरीके से सीट कवर की फिटमेंट है, एक लग्जरी कार जैसी होती है वैसी कार की तरफ पूरा फिटमेंट है। जैसे सिमेट्री आपको पीछे दिखाई है वैसे ही सिमेट्री आपको आगे भी देखने को मिलने वाला है, पूरा एक फिट टू फिनिश के साथ, एक अच्छी खासी कुशनिंग के साथ। 3 थ्रेड का यूज जैसे आपका आगे था वैसे ही 3 थ्रेड का यूज अगेन पीछे की तरफ है, एक जितना एक कुशनिंग है एक पैडिंग है जो पीछे थी आगे थी वही सेम पीछे मिल जाती है। तो एक कंप्लीट पूरा सीट कवर में हर जगह में आपको प्रॉपर मिलता है। इसमें भी आप देखेंगे एक प्रॉपरली फिटमेंट है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा रिंकल नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे कंपनी फिटेड सीट कवर आता है ना उससे लाख नहीं करोड़ गुना अच्छा सीट कवर आपको मिल जाता है। बहुत जगह आपने देखा होगा सिर्फ यहाँ पे रस्सी बांधना है, रस्सी बांधा और ऐसे ज्वाइंट कर दिया, वो चीज़ नहीं है। प्रॉपरली जो ओरिजिनल सीट होती है इसकी वैसा सीट की फिटमेंट होती है, वैसे पूरा फिटमेंट के साथ है, पकड़ फिटिंग है हर जगह से, बिल्कुल सोफे जैसे फिटिंग मिल जाती है जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पे नीचे आप मैट की फिटमेंट भी देख सकते हो, प्रॉपरली 0 to 0 फिटमेंट है हर जगह से। यहाँ पे स्कफ प्लेट है नीचे की तरफ जो आपको प्रॉपर है। इसके बाद यहाँ पे रियर AC है वो भी एक्टिव हो चुका है, अभी देखोगे यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, रियर AC भी चल रहा है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक जो छोटा सा ये रुमाल है लेके आया हूँ, इसमें देख सकते हो रियर AC का फ्लो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फ्लो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है ये देखो। और अगर इसी को मैं बंद कर दूंगा तो कोई फ्लो नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अगेन थोड़ा सा ऑन करते हैं बस, ये देखो बहुत अमेजिंग फ्लो है। अगर कोई 3 बंदा भी पीछे बैठा हुआ है ना तो AC का फ्लो जो है वो कम नहीं लगने वाला, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनली पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, और जैसा मैंने आपको बताया है गाड़ी का नंबर अभी तो टेंपरेरी नंबर पे गाड़ी है PV25, पंजाब से गाड़ी आई है। स्पेशली सर से जानते हैं कि कैसे पंजाब से दिल्ली आए हैं, कैसे सारा काम था, सारी चीजें किस तरीके से। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है भैया जी? आपका मंजीत सर। मंजीत जी भैया आपका क्या नाम है? तो आपको कहाँ से आए? तो बिल्कुल बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास, 450 के आसपास। तो वन साइड में बता रहा हूँ 400 किलोमीटर मिला के 800 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर करके आना, फिर सारा कुछ आपने चेक किया, सुबह ही आप आ रहे हो और अभी आप जा रहे हो, सारा काम करा, तो कैसे मतलब इतना बिलीव कैसे हो गया? काम अच्छा लगा वीडियो में आपने देखा होता है ना बंदे को, काम अच्छा लगा जी।
फोन पे बात की, उन्होंने गारंटी दी कि आप आओगे तो आप खुद सेटिस्फाइड होगे, आप ये देखना तो खुद ही सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं। आजकल का भी ऐसा टाइम है कि लगभग 50-70% लोग जो है ना वो दिल्ली आने से डरते हैं कि भैया मैं जाऊंगा पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ गलत ना हो जाए या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा टाइम बिल्कुल है। और शायद मुझे लगता है 70% से ज्यादा लोग हैं जो डरते हैं, पर ऐसा शायद मुझे लगता है जायज भी है और कहीं ना कहीं बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अगर विश्वास नहीं करेंगे ना दुनिया कभी चलेगी नहीं। तो अभी आप आए हो, हो चुका है अभी कंप्लीट, आप पूरा दिन आपने टाइम स्पेंड किया, आपके सामने और भी लगभग 7-8 गाड़ियां होती गई है, तो अब आपका फील कैसा आ रहा है, अब क्या सोच रहे हो आप, कैसा गाड़ी का काम हुआ है, कैसा था? बिल्कुल चेंज हो गया, फुली सेटिस्फाइड है, जो वीडियो में देख रहा था उससे बेहतर हुआ है, इससे बेहतर हुआ है थोड़ा सा, मतलब लग रहा है कि इतनी दूर से आना जितना सोचा था उससे अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी सीट तौर पे आपने बैठ के देखा कैसा, कंफर्ट वगैरह कैसा है, बढ़िया अच्छा। और मैं हर बार आपको बताता हूँ, देखो आप ये टेल लाइट हो गया, ये रिफ्लेक्टर है, कैमरा है, ये हिंदुस्तान के हर एक कोने में हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है इतनी फिनिशिंग से अवेलेबल मिल जाए, पर मेन जो इसका सीट कवर, मेन जो इंटीरियर है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इस क्वालिटी में, इस प्राइस में, इससे इस ऐसा फिनिशिंग में जो आपको ऑटोजेनिक प्रोवाइड करता है। सीट कवर की भी वारंटी कितनी मिली है? जो आपका बिल है प्रॉपरली उसमें मिल प्रॉपर मिला है, और ये ऑन वीडियो रहने वाला है हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वीडियो रहने वाला है, और हर एक गाड़ी में जो हम सीट को लगाते हैं वो मैक्सिमम अपने पास यही है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक लास्ट अभी बिल्कुल एंड करेंगे वीडियो को बिल्कुल, कि अगर कोई आना चाहता है आपकी वीडियो देख के एज अ कस्टमर, तो आप रिकमेंड करेंगे अपनी तरफ से? रिकमेंड करेंगे, मतलब आप जैसा सोच के आओगे उससे बेहतर काम आपको मिलेगा, तो ये सेटिस्फाइड होकर जाओगे आप, आपको वो मतलब कि क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पूरी तसल्ली करेंगे आपकी, फिर आप यहाँ से मतलब हैप्पी होके जाओगे। और अच्छा काम, आप जब काम हो जाता है उसके बाद भी आपकी गाड़ी एक बार दो बार जो हमारे सेल्समैन है वो भी चेक करते हैं, जो आपको अपॉइंट किए होते हैं उसके बाद मैं भी आपको चेक करता हूँ, तो हर चीज में हम कोशिश करते हैं आपको जो कमी अगर है भी कुछ तो पहले से रिजॉल्व कर देते हैं, जैसे कि आपके पास आने आपके हाथ में आने से पहले गाड़ी कोई इशू ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना। एक सर भी हमारे साथ साथ में ही है, आपको सर कैसा सारा कुछ बढ़िया, आपको सीट पर मेरा सारा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जो भैया का और इतनी दिल से आने का, आपका सच में दिल से धन्यवाद, और आप लोग भी दिल से धन्यवाद कि पूरी वीडियो आपने देखी और इतनी मतलब उतना सपोर्ट करते हैं, प्यार दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग आते हैं और फिर सारा काम करते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए एक बार जरूर चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हमारा मनोबल और बढ़े, हम पूरी जो टीम है वो टीम को लेकर हम और आगे चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियोज़ के लिए एक बार जरूर चैनल को फॉलो करें।